स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन कुर्ती में गोटा पट्टी की सहायता से बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने ये गोटा पट्टी ली हुई है और ये हमारी ट्रायंगल वाली लेस है, ये भी गोटा पट्टी की ही है। और उसके बाद हमने ये पेपर फ्यूज ली हुई है, इसका साइज हम आपको बता देते हैं। हमारी पेपर फ्यूज की लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई हमने ले रखी है 10 इंच। इसे हम अपनी कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। ये हमने पेपर फ्यूज को कपड़े पर चिपका लिया है और इसके बाद हम इस पर कुछ मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हमें 5 इंच पर यहां मार्क लगा लेना है और इसके बाद एक एक इंच पर हम नीचे की साइड सभी निशान लगा देंगे। ऊपर से 5 इंच पर और नीचे की साइड एक एक इंच पर हमने अपने सभी निशान लगा दिए हैं। इसके बाद हम इस कोने से इस कोने पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहां पर भी हम एक एक इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे ऐसे। और यहां तक मार्क लगाकर अब हम अपने कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे और हल्का हल्का सा ऐसे दबाएंगे तो हमारे हल्के हल्के निशान दूसरी साइड भी नजर आ रहे हैं। अब हम इन्हें थोड़ा डार्क कर लेंगे और ये हमने अपने सभी निशान दूसरी तरफ भी डार्क कर लिए हैं। इसके बाद हम जो हमारी ये खाली जगह है इसे भी हम एक एक इंच का निशान लगाकर पूरी पर मार्क लगा लेंगे। और ये देखिए, इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। हमारे सभी निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर अपनी गोटा पट्टी को रखेंगे ऐसे और इसके बीच में सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। और ये हमने अपनी सभी गोटा पट्टी लगा दी हैं। इसके बाद हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर अपने नेक का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रॉड नेस का निशान लगाएंगे। हमारे नेक की ब्रॉड नेस है 6.5 इंच, तो हम 3.25 इंच पर ये निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम डीप नेस का निशान लगाएंगे अपने नेक की लंबाई का 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद ऊपर के साइड हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से 0.25 इंच। अब हम इस निशान से इस निशान को ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद अब हम राउंड आकार में ऐसे अपने नेक की मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से।
और इसे अब हम डार्क करेंगे यहाँ पर, और इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी अपने निशान उठा लेंगे ऐसे। ऐसे मोड़ लेंगे और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से ऐसे हमारा निशान दूसरी तरफ भी ऐसे ही बराबर आ गया है, और इसे भी हम डार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम सेंटर में एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती का सीधा भाग है, सीधे भाग पर हम अपने पैटर्न को नहीं रखेंगे, हम उल्टे भाग पर अपने पैटर्न को रख लेंगे, जिससे हमारा नेक सीधी साइड पलट जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर में अपने नेक को इस प्रकार से रख लेना है, और बीच में एक कच्ची सिलाई लगाकर इसे जमा लेना है, इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं लेगा। और इसके बाद हम अपने निशान के ऊपर ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगा देने के बाद अब हम अंदर की साइड से कपड़े की कटिंग कर देंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़कर। ये हमने 1/4 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और अंदर के कपड़े की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम गोलाई में और इसकी नोक में ऐसे कट लगाएंगे सिलाई तक। ध्यान रहे दोस्तों, हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए और सिलाई तक हमारा कट आ जाए, जिससे हमारा नेक बड़ी ही आसानी से पलट जाएगा बिना किसी झोल के। और अब हम इसे अंदर की साइड ऐसे पलट लेंगे। इस प्रकार से, और अपनी नोक को कैंची की सहायता से निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, इसे प्रेस से अच्छी तरीके से जमा लेंगे। हमने अपने नेक को अच्छी तरीके से प्रेस लगाकर जमा लिया है, और साथ ही बाहर के कपड़े को एक पैर अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब हम अपनी लेस को इसके नीचे ऐसे रख लेंगे इस प्रकार से, और इसके ऊपर कन्नी की सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो बराबर में लेस लगाने से पहले हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारा जो डिजाइन है वो इधर उधर नहीं होगा और सेंटर में जम जाएगा, और इसे बाद में उखेड़ लेना है। अब हम अपनी लेस को इस प्रकार से यहां पर इसके नीचे रख लेंगे और इसके ऊपर कन्नी की सिलाई लगा देंगे। हमने चारों तरफ लेस लगा दी है और साथ ही बीच में कुछ बटन भी लगा दिए हैं, और हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, हमारा डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।